हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले बीस रुपए के ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जहां पर अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें well ऐसे संकेत दे रही है कि यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपके बनते हुए नजर आएंगे तो ये वीडियो की तरफ बात करते है बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से जिसका नाम है शाम सेंचुरी जो की बीस रुपए का स्टॉक यहाँ पर नजर आता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग यहाँ पर दस यहाँ पर उछालता कंपनी करती ही क्या है सबसे रिलेटिव बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल जो कि आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले आपको वीडियो मिले और आप फौरन तौर पे वीडियो को देखिए एज वेल एज डेली बेसिस पे यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है uh, तो अभी तक हम थोड़ा सा पिछले एक डेढ़ महीने से रेगुलर uh, नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन बट अभी हम यहाँ पर फुल फ्लेज में आ गए और फुल वेव में पर काम करेंगे लाइक like बिफोर तो यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम देते नहीं है बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर आप हमें uh, यहाँ पर उस सेक्टर से जान सकते हैं एज वेल एज हम इन पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और डेली बेसिस पे वीडियो बनाई जाती है अच्छे खासे रिटर्न हमें मिल भी रहे हैं ये स्टॉक्स है इसे ध्यान रखिएगा इसमें अच्छे खासे पैसे बनेंगे कुछ दिन पहले एक छोटे स्टॉक से रिलेटेड हमने बातें करी थी वहां पर अच्छा खासा हमारा पैसा बनता हुआ नजर आया तो ऐसे स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे तो यहाँ पर चाइना के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए सीखने की कोशिश करिए तो हम बात करने वाले हैं शाम सेंचुरी सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं देखिए कंपनी यहाँ पर जिस पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पर काम करती है वो है मैनुफेक्चर फेरोज लाइक फेरोसिलिकन एंड मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दिस बिजनेस वार वास्फर

ये प्रमोटर भी है तो इन्हीं की ये कंपनी यहाँ पर नजर आती है छोटी सी कंपनी है

नजर आता है एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे इनके प्रोडक्ट को देखेंगे इन कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें और ज्यादा समझ में आएगी यहाँ पर शाम सेंचुरी फेरोइस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में चले जाइए तो आपको आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगी कंपनी किस प्रोडक्ट में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर देख लीजिए द बेसिक पर्पज ऑफ फेसी इज रिमूविंग ऑक्सीजन इन लिक्विड मेटल इन माइल्ड स्टील इट एक्ट एज एन रिडक्टेंट इन स्टेनलेस स्टील 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 इट एक्ट ग्रेन रिफाइनर that इज ब्राइटनेस तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती है तो यहाँ पर ली मेटल तो तो चल रहा है यहाँ पर, आ, आपने देखा भी है लास्ट आ, जो वीक था उसमें अच्छा खासा यहाँ पर मेटल में इस पर्टिकुलर वीक में अच्छे खासी जंप तीन सो सौ पॉइंट की देखी गई थी हम सब ने अपना एक अलग ही लेवल को टच किया कुछ ने ब्रेकआउट भी दिया उससे रिलेटेड भी हमने काफी बार बातें करी है तो अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर नजर आता है यहाँ पर पर्टिकुलर आपको पता ही आगे जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और वहां पर मेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी तो इंडिया उसी पूर्ति करेगा और जब पूर्ति करेगा तो ये जो छोटे छोटे शेयर है तो याद रखिए इनमें सर्किट लगता है और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है मार्केट कैप की बात करें चार करोड़ रुपए का मार्केट कैप है तो याद रखिएगा शेयर भाग अगर दस दस परसेंट से राय तो गिरेगा तभी तो इसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर आ सकता है तो इसे अपने माइंड में हमेशा रखिएगा तो रिस्क भी उतनी है रिवॉर्ड भी उसी तरीके से तो आपको प्ले करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको प्ले करना है पीई की बात करें यहाँ पर इंडस्ट्री की तो यहाँ पर देखिए ग्यारह का लगभग बारह के आसपास का है और नौ के आसपास का यहाँ पर पी चल रहा है मतलब शेयर यहाँ पर सस्ता ही है महंगा नहीं है डेट की बात करें कंपनी डेट फ्री है दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें सोलह सत्रह के आसपास है ये भी एक अच्छी यहाँ पर आरओई है इसके अलावा फेस वैल्यू एक ही है और बुक वैल्यू से थोड़ा ज्यादा ट्रेड कर रहा है और हाई इसने अभी ये बनाया था हाई लगभग इक्कीस बा बाईस रुपए के आसपास का इसका हाई था तो वहां पर ट्रेड कर रहा है मैक्सिम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो बीच बीच में हर्डल्स आते रहते हैं इस तरीके की जंप एक आपको कंसोलिडेशन फिर इसके बाद भागना तो यहाँ पर चीजें ऐसे इस तरीके से नजर आती है कि अगर कभी नीचे अगर गिरता हुआ शेयर नजर आया तो आपको सालों साल यहाँ पर अटका सकता है तो इसे अपने माइंड में आपको रखना है और इस चीज को पता लगाने के लिए कि कब निकलना है तो याद रखिए ये जो जितने इस तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे बट इस दौरान कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे और अगेन कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो चीजें ऊपर जा रही है तो रिजल्ट बेकार आ गए चुपचाप कंपनी से निकलना है क्योंकि वो काफी लंबे टाइम तक यहाँ कंसोलिडेशन में जा सकती है अब बात करते हैं ईयरली बेसिस की तो ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स कंपनी की सेल्स यहाँ पर लगातार 2019 तक में अच्छी खासी बढ़ी थी ओके तो जिसकी वजह से शेयर ऊपर भी गया था बट अगेन यहाँ पर सेल्स uh, कम होती हुई नजर आई और अगेन यहाँ पर अब अभी की बात करें तो पिछले 12 क्वार्टर में जो सेल्स है वो हाइस्ट एवर पर है छप्पन करोड़ की बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा होते हुए नजर आए हैं यहाँ पर मेटेरियल कॉस्ट ज्यादा लगी है एम्प्लॉइज कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा लगी है इस वजह से इनके प्रॉफिट पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बट स्टिल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे हाइएस्ट है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट है पंद्रह करोड़ का आया है जो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खास है तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इवन इफ यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेंसिव ज्यादा हो रहे हैं ली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ तक 2019 में हाईएस्ट हाइस्ट एवर यहाँ पर सेल्स थी उसके बाद आ, सेल्स यहाँ पर कम हुई तो यहाँ पर चीजें गिरती हुई नजर आई अगेन सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है 186 की पर करोड़ रुपए के इसलिए यहाँ पर शेयर जो चार्ट पैटर्न है ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पर मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर पिछले बारह क्वार्टर का है तो अच्छी खासी सेल्स है और जब यहां पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी है तो चार्ट पैटर्न को भी ऊपर ही जाना है याद रखिए चीजें ऊपर जानी है तो इस तरीके से ही चीजें ऊपर जाती भी है रिजर्व की बात करें रिजर्व कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक सौ सोलह करोड़ के रिजर्व है बोरिंग यहाँ पर कम हुई है एक करोड़ की बोरिंग रह गई है इन्वेस्टमेंट कंपनी का कुछ नहीं है बट हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की तो कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है जो कि बासठ करोड़ का यहां पर छह महीने में कंपनी ने कैश को और ज्यादा रेज कर लिया है एक करोड़ का कैश है और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए एज इट इज बनी हुई है 54.49 की जून पर जून 2019 में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई थी तो अभी भी नाइन परसेंट की हिस्सेदारी है और यहाँ पर, प्रेंग पर प्रेंग आपको बता ही बताया फिलहाल पॉइंट वन परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी है और पब्लिक की बात करें पब्लिक का फोर्टी की हिस्सेदारी नजर आती है बट उसमें से ही बड़े बड़े लोगों ने ले रखी है अच्छी खासी होल्डिंग तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं थोड़े से लोगों के पास ही यहाँ पर हिस्सेदारी नजर आती है लगभग उन्नीस में भी बड़े-बड़े लोग यहां पर शामिल होंगे। अब बात कर ले चार्ट तो चार्ट पैटर्न की। तो यहां पर आप गया, और अगेन चीजें ऊपर जाती हुई नजर आई और लास्ट ट्रेडिंग सेशन मेंसेंट तक ये शेयर भागता हुआ नजर आया अब यह चीज क्या बताती है यह चीज सिंपल बताती है सारी चीजें बता रही है कि ये चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर साफ नजर आती है कितनी ऊपर जाएगी यहाँ और जिस तरीके से वॉल्यूम दोबारा आने शुरू हुए और तो यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है अब कुछ पॉइंट्स और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले इसे इस लेवल को जो इसका ये हाई था ओके इसे यहाँ पर निकालना जरूरी है जो की मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ लगभग इक्कीस रुपए पच्चीस पैसे से ऊपर जाता है लगभग इक्कीस रुपए तीस पैसे या इक्कीस रुपए पचास पैसे से ऊपर जाती है चीजें तो चीजें और ऊपर जाती हुई नजर आएगी और फिर उसके बाद अगर फिर और फाइनली अगर ये बाईस रुपए बाईस रुपए को अगर क्रॉस करती है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली होगी जो इसे यहाँ पर ऊपर ले जाती हुई दिखाई देगी कितना ऊपर ले जाएगी उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर ये 22 से ब्रेकआउट भी देती है तो 20 एक परसेंट के रिटर्न तो इजीली मुझे समझ में आते है कि यहाँ पर बन जाएंगे बट एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है उससे रिलेटेड मैं बातें करूंगा मेन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनेगा यहाँ पर देखिए एक इसने कप बनाया यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसने एक कप बनाया कप बनाने के बाद यहाँ पर इसने हैंडल बनाया ओके इसका ब्रेकआउट भी हुआ फिर यहाँ पर से चीजें नीचे आई फिर दोबारा यहाँ पर जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स कब विध हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जब इस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हैं तो एक टारगेट नजर आता है यहाँ पर से देखिए यहाँ से इसकी लेंथ में ले पर नापा और अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो लगभग इसके कितने परसेंट के रिटर्न आते हैं लगभग एक सौ तक ये शेयर जाता हुआ नजर आता है जो की कि लगभग कितने परसेंट के रिटर्न है अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर आपको बता दूँ तो लगभग साढ़े से ज्यादा के ही रिटर्न यहाँ पर नजर आते हैं तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं ओवरऑल तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग सात सौ अस्सी परसेंट के आठ सौ परसेंट के रिटर्न नजर आते हैं तो इतने लंबे टारगेट के लिए बात नहीं करूंगा इतने ज्यादा यहाँ पर रिटर्न की मैं बात नहीं करूंगा ओके और शॉर्ट टर्म की बात करूंगा शॉर्ट टर्म में एक और यहां पर देखिए ये कब बन रहा है कब बनने के आदि हैंडल का ब्रेकआउट ओके और कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर टारगेट की बात करें तो इसके हिसाब से टारगेट हमारे यहाँ पर नजर आते हैं ये वाले अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर नीचे ले लेंगे Hmm. तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके टारगेट ये लगभग अड़तीस रुपए तक के यहाँ पर नजर आते हैं जो कि बेहतरीन यहाँ पर टारगेट नजर आता है तो अड़तीस रुपए तक के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं

करना है, शेयर करना है ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर शाम हमने शाम सेंचुरी फेरस से रिलेटेड बनाई थी तो यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जितना हो सके सब्सक्राइब करें, अगर आप नए आए तो लाइक करें, कमेंट करें इन पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच कॉर ब्लेस